एक बार की बात है, शहर से दूर एक जेल थी। उस जेल में बहुत से कैदी कैद थे। वहीं जेल में एक काल कोठरी थी। सभी कैदियों का मानना था कि उस काल कोठरी में किसी अनजान आत्मा का साया है। फिर एक दिन जेल में एक खूंखार कैदी आता है। एक पुलिस वाले को उस कैदी से सच उगलवाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। क्यों रे कानिया, सच सच बता दे, तूने उस बिल्डर का खून क्यों किया? नहीं तो सच उगलवाने के मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं। मैंने किसी का खून नहीं किया, तू मुझसे कभी सच नहीं उगलवा पाएगा। जनाब, मुझे लगता है ये इतनी आसानी से सच नहीं बोलने वाला। इसे उल्टा टांग कर पूछते हैं, सब सच अपने आप उगल देगा। फिर पुलिस वाले मिलकर उसे उल्टा टांग देते हैं और उसे डंडे से मारना शुरू कर देता है। नहीं, ले, ले, और ले, आ, 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 और मार। बता सच क्या है, बता, बता, नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। तुम मुझसे कभी सच नहीं उगलवा पाओगे, जितना मारना है मार लो। जनाब, लगता है ये ऐसा नहीं मानेगा, इसे तो मार का भी असर नहीं हो रहा है। इसे उस काल कोठरी में बंद कर देते हैं, अपने आप सब सच उगल देगा। फिर पुलिस वाले उसे पकड़कर उस काल कोठरी में बंद कर देते हैं। कालिया एक कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर में उसे डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। कौन? कौन है वहाँ? तभी सामने पड़े बेड के नीचे उसे एक औरत दिखाई देती है। तभी कालिया के जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। जेल के सब कैदी उठ जाते हैं। अरे कोई है, मुझे यहाँ से निकालो, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। जेलर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। अरे भाई, लगता है जेलर साहब ने आज फिर किसी कैदी को उस काल कोठरी में कैद किया है। भाई, ये कैदी नहीं बचने वाला। क्यों निकालिया, तू तो कहता था कि तुम मुझसे कभी सच नहीं उगलवा पाओगे, क्यों? जी जनाब, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौन जिंदा नहीं छोड़ेगी, तुम किसकी बात कर रहे हो? जनाब, यहाँ कमरे में बेड के नीचे एक औरत है, वो मुझे मार डालेगी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे अरे मर गया रे, अरे नाश मिटे पुलिस वाले, मुझे जल्दी से बाहर निकाल, इसने तो मेरी टांग ही पकड़ ली। अरे सुरेश, जल्दी से काल कोठरी का दरवाजा खोलो और इसे बाहर निकालो। फिर जैसे ही पुलिस वाले उस काल कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कालिया खून से लथपथ जमीन पर पड़ा होता है। उसकी एक टांग धड़ से अलग हो चुकी होती है। ए भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? सुरेश, जल्दी से इसकी टांग उठाओ और इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। फिर जैसे ही कांस्टेबल उसकी कटी टांग उठाने लगता है, कोई बेड के नीचे से हाथ निकालकर उसकी टांग को अंदर खींच लेता है। उन सब की हालत खराब हो जाती है। अरे मर गया रे, ये तो मेरी टांग ही ले गई। अरे दरोगा साहब, जल्दी यहाँ से निकालो, नहीं तो ये मेरी दूसरी टांग भी काट खाएगी। फिर वे सब कालिया को उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कालिया की टांग कटने की बात पूरे कैदियों में फैल जाती है। अरे भाई, आज तक तो सिर्फ
उस काल कोठरी में लोगों को एक चुड़ैल दिखाई देती थी। आज तो उसने कालिया की टांग ही धड़ से अलग कर दी। फिर कुछ देर के बाद उस काल कोठरी से आवाजें आने लगती हैं। मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो, नहीं तो मैं सबको मार कर खा जाऊंगी। मर गए रे बिल्लू भाई, तुम्हारी बात तो सच निकली, ये चुड़ैल तो सच में जाग गई। अब क्या होगा? ए भगवान, ये हमने क्या कर दिया? मुझे तो लगा था आल कोठरी में चुड़ैल की बात सिर्फ एक अफवाह है। सुरेश, हमने एक खून की प्यासी चुड़ैल को जगा दिया है। मुझे अभी बड़े अफसरों से इस बारे में बात करनी होगी। फिर पुलिस वाला बड़े अफसर को फोन लगाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। क्या चुड़ैल? लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है। रात बहुत हो गई है, चुपचाप अपने घर जाओ और सो जाओ, कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं होती। इतना बोलकर वह अफसर फोन काट देता है, लेकिन उस काल कोठरी से आवाजें आनी बंद नहीं होती। वह चुड़ैल अब बाहर निकलने के लिए तड़प रही होती है और जोर जोर से काल कोठरी का दरवाजा पीटने लगती है। हे, खोल दरवाजा, मुझे भूख लगी है, मैं तुम सबको कच्चा खाऊंगी, खोल दरवाजा, खोल। जनाब, आप क्या करें, इसे कुछ खाने को नहीं दिया तो ये दरवाजा तोड़ देगी। फिर पुलिस वाला उसके लिए एक चिकन का इंतजाम करता है और कांस्टेबल काल कोठरी की खिड़की से मांस को अंदर फेंक देता है। चुड़ैल वह मांस खाने लगती है। फिर चुड़ैल कुछ ही देर में सारा मांस चट कर जाती है। ए, ये क्या घास फूस दे रहा है, मुझे इंसानी मांस दे, नहीं तो तेरी गर्दन धड़ से अलग करके खा जाऊंगी। जनाब, आप क्या करें, ये तो इंसानी मांस मांग रही है। फिर जब चुड़ैल को इंसानी मांस नहीं मिलता तो वो काल कोठरी का दरवाजा पीटने लगती है। अरे बिल्लू भाई, अब हम नहीं बचने वाले, ये कमबख्त चुड़ैल काल कोठरी का दरवाजा तोड़ देगी। अरे बरगर, अरे दरोगा साहब, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम यहाँ इस चुड़ैल के हाथों मरना नहीं चाहते। अरे दरोगा साहब, आप कहाँ हो? जनाब, जल्दी सोचिए क्या करना है इस चुड़ैल का, नहीं तो ये किसी भी पल ये दरवाजा तोड़ देगी। एक काम करो, यहाँ पास के कमरों में जितने भी कैदी हैं, उन्हें यहाँ से दूसरी बैरक में शिफ्ट करना होगा। फिर कांस्टेबल कैदियों को निकालने के लिए जाते हैं। अरे नौस मिटे हवलदार, जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो तेरी अम्मा किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएगी। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो, अब ये चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे नास मिटे हवलदार, ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम ही ने उस चुड़ैल को नींद से जगाया है। तुम पुलिस वाले जानते थे इस काल कोठरी में कुछ गड़बड़ है, फिर भी तुम उस काल कोठरी में कैदियों को बंद किया करते थे, अब भुगतो अंजाम। फिर कांस्टेबल सब कैदियों को दूसरे कमरे में शिफ्ट करके वापस उस जगह पर आता है। जनाब, मैंने सब कैदियों को यहाँ से दूर दूसरी बैरक में बंद कर दिया है, अब क्या करें? सुरेश, मेरे पास एक तरकीब है, लो ये मेरा ताबीज लो और इस काल कोठरी की खिड़की पर टांग दो, इस ताबीज में बहुत शक्ति होती है, ये उस चुड़ैल को रोक कर रखेगा। फिर वह कांस्टेबल ताबीज लेता है और काल कोठरी की खिड़की पर टांग देता है। ताबीज लगते ही अंदर से आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। जनाब, लगता है आपकी तरकीब काम कर गई, वो चुड़ैल इस ताबीज से डर गई है। फिर रात भर कोई आवाज नहीं आती, लेकिन अगले दिन जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और मौसम खराब हो जाता है।
तभी हवा के कारण वह ताबीज नीचे गिर जाता है। तभी चुड़ैल के गुर्राने की आवाज आती है और सब कैदी घबरा जाते हैं।